नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल होनी है। देश के सभी 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जा रहा है और इसकी तैयारी इस बात की है कि ये की जा रही है कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और उसकी पूरी प्रक्रिया आखिरकार क्या है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था और अब 33 राज्यों में ड्राई रन चलाया जाएगा, जिसमें हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल को शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे, जिसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार पूरे देश में ड्राई रन करने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया गया था कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम 10 दिन बाद शुरू हो सकता है। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले ये तैयारी की जा रही है, आखिरकार किस तरीके से कोरोना की वैक्सीन पूरे देश भर में जन जन तक पहुंचाई जाएगी, इसकी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है और लगातार ड्राई रन करके ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से सही की गई है। तो देश के 736 जिलों में आज ड्राई रन हो रहा है। आपको बता दें कि कई राज्यों को छोड़ के इस ड्राई रन को चलाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन किया गया था। इसी के साथ माना यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो सकता है और इसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि आज पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इससे पहले सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज तमिलनाडु के केंद्र में पहुंचे। उन्होंने देखा कि क्या कुछ फिलहाल ड्राई रन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ तमाम तैयारियों का जायजा खुद केंद्रीय मंत्री ने लिया और हर एक चीज पर खुद स्वास्थ्य मंत्री नजर बनाए रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर एक प्रक्रिया को देखते आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तमिलनाडु के केंद्र में पहुंचे थे, तैयारियों का वहां उन्होंने जायजा लिया कि किस प्रकार की तैयारियां ड्राई रन को लेकर की गई है, किसी प्रकार की कोई भी कमी इन तैयारियों में ना आए, इसे लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं और सभी जगहों का जायजा वो खुद ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि 3 फेज के कोरोना वैक्सीनेशन का प्लान सरकार की तरफ से किया गया है और इसी को लेकर आज पूरे देश में ड्राई रन किया जा रहा है और माना फिलहाल ये भी जा रहा है कि 1 या 2 दिन में वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए भी तैयार रहने के निर्देश यहां पर दिए हैं। सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए ताकि आसानी वैक्सीन को पहुंचाने में हो। तो वहीं जिस तरीके से सरकार की तरफ से फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं, लगातार ड्राई रन किया जा रहा है, उसे लेकर उसे देखते हुए ये लग रहा है कि अगले एक हफ्ते में टीकाकरण की शुरुआत भी हो सकती है। तो चलिए फिलहाल आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन को लेकर कहा है। डेवलपमेंट ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत बाय द कंट्रीमैन
टुडे आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू बी हेयर इन तमिलनाडु. यू नो दैट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इंडिया हैज ऑल्सो डन एक्सट्रीमली वेल ऑन द फ्रंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. एंड राइट नाउ टू ऑफ अवर वैक्सीन्स have been given emergency use authorization and we are in the process of ensuring that in the next few days or so in the near future we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with of course prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation and all those frontline workers who helped us in containment zones and other places. And then, of course, in the next stage, we'll be taking up the people above 50 years of age, and then, of course, less than 50 with comorbidities. You are already aware of the scheme of things that have been discussed with all of you earlier also, to ensure that in a country as vast as India, with a population of 1.35 billion people, everything is done smoothly, meticulously, without any glitches. We started preparations for the impending vaccination drive against COVID almost 4 to 5 months back, when the Prime Minister had constituted an expert group, National Expert Group for Vaccine Administration. Our people in the Health Ministry, along with others and in consultation with the stakeholders in the states, we have been working day and night to formulate guidelines, to work out the minutest possible details, and also to ensure that every detail is conveyed to the people at the grassroots level, starting from the national level to the grassroots.
तो चलिए, ये सुना आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से ड्राई रन का पूरा प्रोसेस यहां पर किया जाएगा। इसी के साथ अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये ड्राई रन है और किस तरीके से आगे इस पर काम किया जाएगा और किस तरीके से जो वैक्सीन का पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो ड्राई रन में अस्पताल तक जाने के लोगों के लिए बुलाने फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण की तैयारियों को भी परखा जाता है। तो शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों या फिर अन्य जगहों की तैयारी यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू हो सकता है और इसी की तैयारी आज से की जा रही है। 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो सकता है और इसी को लेकर आज पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है। ड्राई रन में आखिरकार क्या होता है, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार जो ड्राई रन पूरे देश भर में चलाया जा रहा है उसमें क्या होता है। ड्राई रन में अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसी के साथ मुख्य रूप से इसमें वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण की तैयारियों को भी परखा जाता है। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों या अन्य जगहों पर यह तैयारी की जा रही है। साथ ही अगले हफ्ते से यह भी माना जा रहा है कि टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि ड्राई रन की प्रक्रिया के बारे में आप देख रहे हैं कि आखिरकार ड्राई रन होता क्या है और किस प्रकार से इस पर काम किया जाता है। ड्राई रन का मतलब वैक्सीन से पहले की क्या कुछ तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये ड्राई रन पूरे देश भर में चलाया जाता है कि निश्चित रूप से वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसीलिए देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है। तैयारी वैक्सीन लगाने की जल्द से जल्द सरकार की तरफ से की जा रही है और इसीलिए आज ड्राई रन का कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले 2 जनवरी को भी ड्राई रन करवाया गया था। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना को देखते हुए कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद से वैक्सीनेशन की तैयारी देश भर में की जा रही है और इसी को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। तो चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा यहां पर जुड़ रहे हैं सीधी लाइन। प्रशांत, आज पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है, इससे पहले भी हमने देखा था तमाम जगहों पर ड्राई रन चलाया गया था। जो तमाम तैयारियां वैक्सीन को लेकर की जा रही हैं उसे लेकर इसमें पूरा जायजा लिया जाता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? जी आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में भी पूरे देश की तरह हर जिले में आज ड्राई रन चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरे देश में अपनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि अगर 13 और 14 जनवरी से पूरे देश को वैक्सीनेशन करने का काम शुरू किया जाए तो हमारी तैयारियां कितनी पूर्ण है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक चिट्ठी सभी राज्यों को भेजी गई है कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तैयार हो चुकी है, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए देख लीजिए कि यहाँ से कैसे आप पिकअप करेंगे, क्योंकि उसको 3 चरणों में पहुंचाया जाएगा। पुणे में सेंट्रल हब बनाया गया है जहां से 41 एयरपोर्ट तक लेके जाया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स के प्लेन यूज किए जाएंगे, इसके अलावा कुछ यात्री प्लेन, और उनके जरिए देश के कोने कोने के एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया जाएगा। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, देश को कुछ हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी भारत में दिल्ली और करनाल को उसका सेंटर बनाया गया है। उत्तरी भारत के जिस भी राज्य को चाहिएगा उसको दिल्ली या करनाल से वैक्सीन ले जानी होगी। उसके बाद आप देखिए, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और गुवाहाटी को मिनी हब बनाया गया है जी। पूर्वी क्षेत्र के जिन राज्यों को जरूरत है वो कोलकाता और गुवाहाटी से लेंगे। हाँ। से ये हुआ पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट,
उसके अलावा साउथ इंडिया के लिए चेन्नई और हैदराबाद को हब बनाया गया है, वहां पे पुणे से कोरोना वैक्सीन भेजी जाएगी, उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे सेंटरों पे भेजी जाएगी, राज्य अपने स्तर पे ले जाएंगे और अपने जिलों पे पहुंचाएंगे, वहां से ब्लॉक लेवल पे पहुंचाएंगे, फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। जी आयुषी, तो चलिए प्रशांत ने बताया हमें कि किस तरीके से दिल्ली में फिलहाल तैयारी वैक्सीन को लेकर की जा रही है। तमाम मेरे सहयोगी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। जयपुर से हमारे साथ नीरज शर्मा यहाँ पर बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए राजस्थान में भी जिस तरीके से एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन हाल ही में अब फिलहाल जो रफ्तार है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखी गई है। चलिए आज पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है, जयपुर में किस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को किया जा रहा है? आयुषी, जयपुर चूंकि राजस्थान की राजधानी है, ऐसे में निश्चित तौर पर सतर्कता चौकसी यहां ज्यादा बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर आज 33 जिलों के अंदर यह ड्राई रन आयोजित किया गया है। 25-25 पहले से सूची बनाकर रखी थी, जो वॉलंटियर्स हैं जिनको ये टीका लगाने का ड्राई रन करना था उन्हें आज बुलाया गया और बकायदा मोबाइल पर ओटीपी और मैसेज आते हैं, उसके जरिए जो है पूरी सूचना उन टीका लगवाने वाले वॉरियर्स के पास पहुंचती है। आज हमने देखा जयपुर के काउटी अस्पताल का हमने दौरा भी किया, जो कि जिला अस्पताल है। जयपुर के अंदर 6 जगह पर ये केंद्र बनाए गए थे, पहला जिला अस्पताल काउंटिया, दूसरा जयपुरी अस्पताल, तीसरा CKS जो कि एक निजी क्षेत्र का अस्पताल है, इसके अलावा CHC जगतपुरा के अंदर, जो PSC है वहां पर, इसके साथ ही वाटिका की PSC के अंदर, और कुल मिलाकर के 6 जगह पर जो ये केंद्र है टीकाकरण के बनाए गए थे। जामडोली के अंदर CSC जो था वो भी इसके अंदर शामिल था। 6 टीकाकरण केंद्रों पर 25-25 के आधार पर लोगों को टीकाकरण के लिए पास बुलाया गया और बकायदा जिस तरीके से इंजेक्शन लगाया जाता है हमने पूरा प्रोसीजर समझा, तो 3 कक्ष बनाए गए। पहला कक्ष है रजिस्ट्रेशन का, वहां जाते ही सूची में नाम मिलान किया गया, अगर मोबाइल पर या व्यक्तिगत रूप से उनके पास ID कार्ड है तो ID कार्ड में देखा गया कि वही शख्स है जिसको टीका लगना है। उसके बाद में उनको बैठाया गया, उनको समझाया गया, पहले जो नर्स थी उसकी ओर से समझाया गया कि आपको टीका लगाने के बाद में थोड़ा सा दर्द हो सकता है कुछ प्रभाव हुआ है, यानी कि चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, जी घबरा सकता है, या कुछ इस प्रकार का रिएक्शन भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, या थोड़ा दर्द हो सकता है, बुखार भी चढ़ सकता है, लेकिन आपके लिए घबराए नहीं, यहाँ पूरी व्यवस्था आपके लिए रखी गई है, किसी प्रकार की एलर्जी या सिम्टम उभरे तो वो आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको टीका लगवाना है, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद में उसकी जो दाहिनी जो कंधा होता है, बाजू होती है, वहां पर वो टीका लगाया जाता है। आज उसका मॉक ड्रिल किया गया, कितना समय उसमें लगता है वो देखा गया। उसके बाद में उस वॉलंटियर को एक तीसरे कक्ष के अंदर टीकाकरण कक्ष में से निकाल करके ऑब्जर्वेशन कक्ष में रखा गया, वहां आधे घंटे तक बैठने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही अस्पताल ने एक विशेष काम यह भी किया था, पैम्फलेट बनाया गया जिसमें पूरा इसकी टीकाकरण की जानकारी दी गई कि यह आपका पहला टीकाकरण आज किया गया है, इसके बाद में 28 दिनों बाद आपको दूसरा टीका लगाना है, यानी 4 वीक्स बाद में, और जब 28 दिनों बाद आप ये टीका लगवाएंगे उसके कुछ दिनों बाद आपकी ये इम्यूनिटी विकसित होगी, सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी, और आपकी इस के चलते आपको कोरोना जो वायरस है उसका शिकार आगे में जुर्म नहीं होना पड़े, इसलिए टीकाकरण किया जा रहा है, यह सुरक्षित है, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर 102 सेंटर्स सभी 33 जिलों के अंदर आज बनाए गए थे जहां पर ये टीकाकरण का ड्राई रन यानी कि एक तरीके से मॉक ड्रिल किया गया है, दूसरे स्तर की मॉक ड्रिल थी। पहले चरण के अंदर राजस्थान के अंदर 7 जिले शामिल किए गए थे, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कम 3 जिले शामिल करने के लिए कहा था, और आज के इस ड्राई रन के अंदर सभी 33 जिले जो है उनको शामिल कर लिया। हमारे चिकित्सकों से और CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा से बातचीत हुई, जो कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, हम आज ही से टीकाकरण को तैयार हैं, जिस तारीख को हमारे पास में केंद्र सरकार से टीके आ जाएंगे राजस्थान पूरी तरीके से तैयार है, टीकाकरण आराम से कर दिया जाएगा। पूरे लोगों की शॉर्टलिस्ट जो करना है, जिन लोगों को टीके लगाने हैं शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और किस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स में पहले फेज के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी, चिकित्सा कर्मी, लैब टेक्नीशियन या अदर पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसका टीकाकरण होगा। इसके साथ ही जो नगर निगम के नगर निकायों के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सैन्य कर्मी हैं, उनकी भी इसमें नंबर आएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं, ऐसे 1 करोड़ से अधिक लोगों का भी जो चयन है वो किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, अन्य बीमारियां हैं और उनको कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं या सीवियर उनमें लक्षण हो सकते हैं, ऐसे लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है। कुल मिला के 4-5 करोड़ लोगों का इस प्रकार का डाटा जो है वो बनकर के आगामी दिनों के अंदर तैयार हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है 4-5 लाख
लाख लोगों का नाम सामने आ रहा है जिनकी सूची बन चुकी है। करीब 4.5 लाख लोगों की सूची इस पहले चरण में जो कि वॉरियर्स हैं उनकी सूची तैयार हुई है। तो प्रदेश के अंदर तो 7.5 करोड़ जनसंख्या है। अब जैसे जैसे टीकाकरण होगा तो माना यही जा रहा है कि एक मास वैक्सीनेशन जो है उसको अपनाया जाएगा, क्योंकि आम लोग भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक है। लेकिन शुरुआती दौर में जो अति आवश्यक जिनको लगाना है यानी जिनको संक्रमण का खतरा ज्यादा है उनको लगाया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में रिकवरी परसेंटेज 96.66% यानी कि करीब 97% के आसपास है, बहुत ही अच्छी एक परसेंटेज है। कोरोना के केसेस में गिरावट आई है, करीब 500 के आसपास केसेस जो है पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। पहले ये 2,500 बहुत अधिक ये केसेस चले गए थे, एक एक जिले के अंदर इतने केसेस आ रहे थे जितने अब पूरे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो 100 के आसपास जो केसेस है प्रतिदिन में लगभग औसतन यहाँ पर दर्ज हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से केसेस में कमी आई है। इसी के चलते सरकार ने अब नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग स्कूल ये सब खोलने का निर्णय ले लिया है। 11 तारीख को ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे, 18 तारीख से 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खोले जा रहे, उस पर आगे सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। कोचिंग भी खोल दी जाएगी। तो निश्चित रूप से टीका आ गया है, लोगों के अंदर एक विश्वास डेवलप हो रहा है और लोगों के अंदर उम्मीद और आशा जागी है कि नए साल पर हमारे लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। माना यह जा रहा है अगर एक हफ्ते बाद भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो मकर संक्रांति के आसपास जोधपुर से जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र डूडी यहां पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जोधपुर को वैसे तो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, एक उम्मीद का सूरज वहां पर भी उगा है, क्या कुछ लगता है लोगों में, कितने लोग कितने उत्साहित हैं वैक्सीनेशन को लेकर और तैयारी, क्योंकि देखिए आज पूरे देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है, तो जोधपुर में फिलहाल क्या कुछ तैयारी की जा रही है और किस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इसी बताना चाहूंगा कि राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है और जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गृह नगरी भी है। तो यहाँ पर चिकित्सा विभाग की ओर से ड्राई रन के 3 जो है केंद्र स्थापित किए गए। एक तो मथुरा दास माथुर अस्पताल में जनाना विंग में किया गया, एक प्राइवेट अस्पताल में किया गया और एक जोधपुर के ग्रामीण इलाका है बिलाड़ा, वहां पे ये ड्राई रन का आज किया जा रहा है। तीनों जगह ही जो CMHO है बलवंत मंडा की ओर से निगरानी रखी जा रही है, किस तरीके से तीनों जगहों पर किस तरीके से तैयारी की गई उसका हमने भी जायजा लिया। वहां हम जाके आए, 3 रूम बनाए गए हैं, एक वेटिंग रूम है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के बिठाया गया है, उसके बाद जो है टीकाकरण रूम है वहां पर टीके लगाए जाते हैं और उसके बाद तीसरा जो है ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जहां पर आधे घंटे तक जिसको टीका लगा है उसको आधे घंटे तक चिकित्सकों की ऑब्जर्वेशन में वहां रखा जाता है। और उसके बाद ये पूरी तैयारी जो है किस तरीके से हुई है ये सारा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग की ओर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक एप्लीकेशन भी जो है जारी किया जाएगा, उस एप्लीकेशन का नाम है कोविन। इसके लेकर के जो है कोई भी व्यक्ति वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक OTP आएगी, OTP आने के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करा देगा और उसके पास सूचना पहुंच जाएगी कि अमुक दिन आपका टीका लगेगा। यानी जिस तरीके से संपूर्ण देश के अंदर अब टीकाकरण जो होने जा रहा है उसको लेकर के पूरी तैयारियां चिकित्सा विभाग की ओर से भी है, यहाँ तक केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी संपूर्ण तैयारियां की जा रही है। जी आयुषी, चलिए जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल देखिए जिस तरीके से देश भर में आज ड्राई रन चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगातार इस पर चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात आज हम कर रहे हैं देश भर में चलाए जा रहे ड्राई रन की। देश भर में आज ड्राई रन चलाया जा रहा है, पूरे देश की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी बीच मेरे सहयोगी तमाम हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग जिलों से। स्वदेश कपिल के पास चलते हैं, चलिए माफ कीजिएगा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं गोपाल चतुर्वेदी जो कि चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी फिलहाल चित्तौड़गढ़ में की जा रही है और किस तरीके की तस्वीरें वहां से ड्राई रन की सामने आ रही है। गोपाल चतुर्वेदी, पूरे देश भर में ड्राई रन आज जा रहा है, अगर बात करें चित्तौड़गढ़ की तो वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें फिलहाल सुबह से सामने आ रही है? आयुषी बताना चाहूंगा यहां पर कि सुबह से जिला कलेक्टर KK शर्मा ने आज सुबह जिला राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय का दौरा किया था जहां पर ड्राई रन चल रही है। और चित्तौड़गढ़ में बात की जाए तो 3 जगहों पर यह ड्राई रन शुरू हुई है, चित्तौड़गढ़ राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय और MP बिड़ला चिकित्सालय, इसके अलावा समीपवर्ती एक गाँव है गोसुंडा, वहां पर CSC केंद्र पर ये ड्राई रन की गई है। इसके अलावा सुबह मेरी जिला कलेक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इसके लिए
हम पूरी तरह तैयार है जो अभी इस सप्ताह इस महीने में कोविड वैक्सीन का काम शुरू होने वाला है, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और यही निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर आज यहाँ पर राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय आए थे, और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का हुआ है तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, पीएमओ से बात की है, उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही इसमें नहीं बरती जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि आत्मजन से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके लिए कोई कोताही बरतने के बोर्ड में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, एक कोताही यहाँ पर नहीं बरती जाए, इसी के लिए जो तमाम अधिकारी है वो भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ड्राई रन से पहले तमाम प्रदेश भर में अधिकारियों ने निरीक्षण किया और खुद जाकर स्थितियों का जायजा लिया है। तो चलिए लगातार संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, रुक करते हैं स्वदेश कपिल का जो की अलवर से फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं फोन लाइन में। स्वदेश, अगर बात करें अलवर की तो अलवर से कई ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं, एक सरकार के लिए और प्रशासन के लिए ये भी चुनौती बना हुआ है कि जन जन को जो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं उन तक उनको कैसे इस चीज के बारे में समझाया जाए, क्या कुछ ड्राई रन होता है, क्या कुछ आगे की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में लोगों को कैसे समझाया जाए, तो इसके लिए फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? आयुषी आपको बताना चाहूंगा, आज ड्राई रन का अलवर में पहला मॉक ड्रिल हुआ है। जी, जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी मीणा ने इसकी विधिवत शुरुआत की है। वहीं जो नोडल अधिकारी हैं राजस्थान सरकार की ओर से अहमद जी, लतीफ अहमद जी, वो यहाँ मौके पर आए हुए हैं। यहाँ पर तीन सेंटर बनाए गए हैं, एक तो राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर, दूसरा डॉक्टर एस सी मित्तल हॉस्पिटल, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा में। इन तैयारियों को लेकर पहले से ही अलवर सजग है, क्योंकि यहाँ पर जांच करने की मशीन जयपुर के बाद दूसरी अलवर में आई थी, या करीब 25,000 तक कोविड पेशेंटों की जांच पर डे की जा रही थी। जी, वहीं आसपास के राज्यों के भी लोग जांच करवा रहे थे। यहाँ पर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में एक सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी डॉक्टर्सों की एक टीम है, जो भी यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आएंगे उनके लिए पूरी सुविधा युक्त की गई है। वहीं मित्तल हॉस्पिटल में 15 लोगों को आज रजिस्ट्रेशन किया गया है वैक्सीनेशन को लेके। जी आयुषी, चलिए स्वदेश तमाम जानकारी दी आपने, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल चलिए अब रुक कर लेते हैं हम बारा का, जहां से हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमें जानकारी देने के लिए बने हुए हैं लाइव। ब्रिजेश, अगर बारा की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ तैयारी की गई है, कितने केंद्र ड्राई रन के लिए बनाए गए हैं और किस तरीके से जो तैयारियां हैं वहां पर की जा रही हैं? जी आयुषी, मैं आपको बता दूं, बारा में यहां पर तीन केंद्र बनाए गए हैं, एक तो बारा जिला मुख्यालय पर है, एक लंका कॉलोनी पीएचसी पर है, एक बामला पर है। यहाँ पर ड्राई रन को लेकर के जो जिले के अधिकारी उन्होंने भी यहाँ आकर के स्थिति को देखा है। सीएमएचओ है डॉक्टर संपत राज जी नागर, उन्होंने वो भी अभी यहाँ ही पर मौजूद थे, जो उन्होंने सारी व्यवस्था देखी है, क्योंकि कोविड 19 को लेकर जो वैक्सीन आने वाली है उसके लिए टीकाकरण करना, इसका एक जो अभी ट्रायल चल रहा है इसको लेकर के सारे अधिकारी सजग हैं, और बिल्कुल किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी है, किस तरह से एक डेमो करके यहाँ देखा जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कर्मचारियों को इसको लेकर के। तो आने वाले समय में जब एक दिन वैक्सीन आएगी और इसको लगाया जाएगा तो किसी तरह की इसमें कोई कमी न रहे, इसको लेकर के पूरा अधिकारी इसको ध्यान रखे हुए हैं, कर्मचारियों को गाइड कर रहे हैं किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी है, ऐसा सभी अधिकारी इस पर निगाह लगाए हुए हैं। अगर ब्रजेश यादव बात करें लोगों की, तो देखिए जिस तरीके से मैंने इससे पहले संवाददाता से ये सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान के एरिया है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से भी वो जुड़ते हैं, कई जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, तो सरकार की तरफ से जनता को किस तरीके से जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में समझाया जा रहा है? क्योंकि देखिए बीच में कई बार ऐसी स्थिति भी आई है जहां पर भ्रम फैलाने की यहां पर कोशिश की गई, भ्रमित वैक्सीन को लेकर कई लोगों ने यहां पर करने की भी कोशिश की है, तो लोगों को किस तरीके से जागरूक यहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें ड्राई रन के बारे में समझाया जा रहा है, वैक्सीन कैसे लगेगी उसके बारे में कैसे जानकारी दी जा रही है? जी, इसमें जो भी पीएचसी स्तर पे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सा स्टाफ है, वो भी लोगों को समझा इस कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या, पहले कुछ भ्रांतियां आई थी कि इससे टीकाकरण से नुकसान होगा और आइंदा भविष्य में स्वास्थ्य पे खतरा हो सकता है, तो ऐसी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रांतियां थी, लेकिन
अब लोग इसको समझ पा रहे हैं कि ये जो टीकाकरण होगा, वैक्सीन जो लगाई जाएगी, ये उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, और एक बड़े कीमत पर ये जो वैक्सीन अपने को उपलब्ध हुई है, इसको जो लगाना है लोगों में, इसको लेकर के अभी भी जो सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर, जो उन्होंने भी लोगों को मतलब इसके लिए समझा, इसके लिए, और एक उन्होंने अपनी तरफ से भी सबको अपील की है, उनको समझाने का प्रयास किया है कि जो अब टीकाकरण होगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और इस कोरोना से लड़ने के लिए और इससे बचाव के लिए ये एक महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के लोगों को भी जानकारी दी जा रही है। चलिए ब्रिजेश, बनी रहिए आप हमारे साथ। नीरज शर्मा, आपके पास वापस से रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए, लगातार ड्राई रन चलाया जा रहा है, तमाम तैयारियों का जायजा यहां पर लिया जा रहा है कि वैक्सीन को पहुंचाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन चलिए अगर वैक्सीन एक बार पहुंचती है तो तब आसानी यहां पर जरूर होगी वैक्सीन लगाने को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, कि किस तरीके से वैक्सीन को उसके टेम्परेचर पर रखा जाए और किस तरीके से जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन किया जाए वो सुचारू रूप से यहां पर हो। और इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर की जाए। प्रदेश में इसे लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है ताकि वैक्सीन को तमाम केंद्रों तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो? राजस्थान में करीब 15 दिन पहले ट्रांसपोर्टेशन की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी। उस वक्त भी हमारी जयपुर के सीएमएचओ से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया हमारे पास में इस तरह की मोबाइल वैन जो है वो मौजूद है, जिनके अंदर कोल्ड स्टोरेज की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ ही आईएलआरस 110 की संख्या में मंगाए गए हैं, यानी कि अगर लाइट नहीं भी होती तो भी 7 घंटे तक वो उस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर, जो आदर्श टेम्परेचर चाहिए, उस पर रख सकते हैं। केंद्र सरकार यदि खुद के स्तर पर इस तरह की वैन भेजती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं भेजती, राज्यों से कहा जाता है कि आप ही लेने के लिए दिल्ली या फिर संबंधित जगह जो बताई जाती है वहां जाएं, तो उसके लिए भी राज्य सरकार की ओर से तैयारी है, क्योंकि जनता को कोविड का वैक्सीनेशन करना है और बकायदा इस प्रकार की वैन और एम्बुलेंस जो है वो सरकार के पास उपलब्ध है, जिनके अंदर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, बिल्कुल डीप फ्रीजर और कोल्ड स्टोरेज, इसके अंदर रख के 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। 110 जो आईएलआर है, जिसको आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं, वो सीएमएचओ ऑफिस जयपुर के अंदर इस वक्त रखे हुए हैं। कल ही हम वहां का दौरा करके आए हैं और वो इसीलिए रखे हुए हैं ताकि अस्पतालों के अंदर भी भेजा जा सके, और उसके साथ ही यदि जरूरत पड़ी तो जिन गाड़ियों के जरिए, मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीन लेकर के आना है तो स्टोरेज एक साथ में लेकर के आई जा सके। इसके साथ ही पूरी कोल्ड चेन सिस्टम जो है उसको पिछले दिनों में मजबूत करने का काम राज्य सरकार ने कर लिया है, पूरा कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की वैक्सीन जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी, राज्य सरकार तुरंत उस वैक्सीन को लेकर आएगी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यहां तक कह चुके हैं कि राजस्थान वैक्सीन लगाने में भी देश में अग्रणी रहे, ऐसी हमारी सोच है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए जिस तरीके से संवाददाता नीरज शर्मा ने बताया कि 15 दिन पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है, तो इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार भी कितनी ज्यादा सचेत है वैक्सीनेशन को लेकर। तो चलिए, जितेंद्र डूडी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जोधपुर से। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर प्रदेश की मैं बात करूं, स्पेशली जोधपुर की, तो कहीं ना कहीं अब दोहरा संकट जोधपुर पर है। एक तरफ लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जब कोरोना बढ़ रहा था तो जोधपुर दूसरा ऐसा शहर बन गया था प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा संख्या कोरोना संक्रमितों की देखने को मिल रही थी, लेकिन अब दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है, तो स्वास्थ्यकर्मी कहीं ना कहीं दोनों जगह अब बिजी हैं। तो किस तरीके से जब वैक्सीनेशन का कार्य यहां पर किया जाएगा, वहां पर स्वास्थ्यकर्मी कैसे मौजूद रहेंगे, किस तरीके से अपना समय वहां पर दे पाएंगे, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, आयुषी बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां कोरोना है, दूसरी तरफ आप जो बर्ड फ्लू का खतरा भी आ रहा है, तो कोरोना एक अलग जगह है, बर्ड फ्लू, क्योंकि बर्ड फ्लू के लिए वन विभाग और पशु चिकित्सालय के जो कर्मचारी हैं वो उसको फोकस कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जो बातें अभी चल रही है, जो अपन बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन के लिए 4 जो जगह हैं स्टोरेज बनाए गए हैं, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इसके अलावा करनाल है, यहाँ से जो वैक्सीन हम उपलब्ध होगी उसके लिए पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से भी की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी उसको किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, किस तरीके से जो है गांवों तक, पीएससी तक उसको पहुंचाया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं, सारी ट्रायल जो है अभी की जा रही है प्रशासन की ओर से।
चिकित्सा विभाग के जो CMHO है बलवंत मंडा, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हुए अभी एक ट्रायल ये भी किया गया कि जैसे जोधपुर अगर वैक्सीन पहुंचती है तो इसको गांव की PSC तक पहुंचाने के लिए कितना समय लगेगा, इस समय के दौरान जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें कोई टेम्परेचर में कोई कम या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पड़ता है, उसकी पूरी जो है जांच की गई, एक वैन को तैयार किया गया, उससे वैन को यहाँ से भिजवाया गया और समय पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है सारी चीजें देखी गई है। यानी जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग दोनों इस पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो आम लोगों तक ये कोरोना की वैक्सीन है जो प्रत्येक व्यक्ति को लगाई जाए, इस पर पूरा फोकस किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया, इसके अलावा जो है जो एडवर्टाइजमेंट करना, ये चिकित्सा विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी जो है जगह जगह तक करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां भी आई थी, कई भ्रांतियां भी फैलाई गई थी, तो कहीं ना कहीं इसे दूर करने के लिए चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन दोनों जो है लगे हुए हैं। यैन केन प्रकार इस कोविड से मुक्ति पाई जाए, इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक बातें पहुंचाई जा रही है, वैक्सीन को लेकर जो भी तमाम चीजें हैं, भ्रम की स्थितियां हैं, उन्हें यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। जितेंद्र, आपसे एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से जो जनता है उन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, उसके लिए तैयारियां क्या कुछ है, किस तरीके से जो गांव की जनता है उन्हें वैक्सीन के बारे में समझाया जाएगा? क्योंकि देखिए, अधिकतर क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सोशल मीडिया का कोई नामोनिशान नहीं होता है, टेलीविजन का कोई नामोनिशान नहीं होता है, तो उन तक वैक्सीन की जानकारी पहुंचाने में थोड़ी बहुत चुनौती सरकार के लिए हो सकती है, तो वहां तक किस प्रकार से प्रशासन जाएगा और जो वैक्सीन की प्रक्रिया है उसे पूरी करेगा? बिल्कुल, ऐसे बताना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में कई सोशल मीडिया नहीं है, कई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वहां नहीं पहुंच पाते। ऐसे गांवों के लिए प्रशासन की ओर से आंगनबाड़ी के जो आशाएं हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। अभी फिलहाल आंगनबाड़ी आशाएं जो है स्ट्राइक पर चल रही है, लेकिन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग का कहना है कि आशा, क्योंकि आशाओं के द्वारा घर घर सर्वे किया गया है, उनके पास सारे रिकॉर्ड है, उनके पास सारे डाटा है, तो निश्चित रूप से उन आशा सहयोगियों का सहारा लिया जाएगा और उनके द्वारा ये सोशल मीडिया नहीं होने की वजह से आशाओं के द्वारा वहां पर समझाइश की जाएगी। क्योंकि आशाओं के द्वारा पहले भी राज्य सरकार की हर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करवाया जाता है, तो निश्चित रूप से अब भी आशाओं को ही इस कार्य के लिए उपयोग में लिया जाएगा। आयुषी, चलिए नीरज शर्मा आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सवाल जयपुर से जुड़ा है, क्योंकि जितेंद्र ने इस बात का जिक्र किया है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य तक वैक्सीन पहुंचाने का काम आशा सहयोगिनियों के द्वारा यहां पर किया जाएगा, लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, लगातार कई दिनों से जो आशा सहयोगिनियां हैं वो धरने पर बैठी हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, अब जब टीकाकरण की यहां पर तैयारी की जा रही है, तो क्या कुछ लगता है, क्या आने वाले समय में जो भी सरकार की और आशा सहयोगिनी की जो भी ये मामला चल रहा है, क्या इसका निपटता हुआ हम देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, राज्य सरकार की ओर से कल इस बारे में एक बयान जारी किया गया है कि 90% जो आशा सहयोगिनियां हैं जो काम कर रही हैं वो लौट चुकी हैं, और कुछ एक जो आशा सहयोगिनियां हैं वो आज ये लगातार ये जो धरने पर बैठी हुई हैं, और उनकी मांग जो है उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही के अंदर एक पत्र भी लिखा था और मांग रखी थी। जो आशा सहयोगिनियां हैं उनके साथ में विकट परिस्थितियां हैं और उनको जो मानदेय है उसमें लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं है, वो बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य के अंशदान का मामला है, जब तक केंद्र से निर्णय नहीं हो जाता राज्य सरकार इसमें अपने स्तर पर कुछ निर्णय नहीं ले सकती। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र था उसमें पत्राचार था, तो केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कब तक इस पर एक्शन लेती है। हालांकि राज्य सरकार से लगातार वार्ता जो है वो हुई और मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने आशा सहयोगिनियों ने ज्ञापन भी पहुंचाया है। इसके साथ ही महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश जो है उनके साथ में भी इन आशा सहयोगिनियों का एक संवाद हुआ है, चर्चा हुई है, डायलॉग हुआ है, लेकिन फिर भी उनका धरना जारी है। निश्चित रूप से आशा सहयोगिनियां एक बड़ा वर्क कर रही है, कोरोना को लेकर के भी सर्वे का काम इन्होंने किया है, पल्स पोलियो का टीकाकरण अभियान भी 17 तारीख से शुरू होना है, उसमें भी आशाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन राज्य सरकार जहां तक बात है कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के बेहद गंभीर है। PSC और CSC स्तर तक जो है पूरी तैयारियां की गई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी जहां भी वैक्सीन भेजनी होगी सीधे वहां पर गाड़ियां जाएंगी और गाड़ियों के जरिए वैक्सीनेशन जो है उसकी तैयारियां वहां की जाएंगी, वैक्सीन भिजवाई जाएंगी, और नर्सिंग कर्मी जो है चूंकि टीका लगाने का काम है तो वो नर्सेस का काम होता है, तो नर्स ही वो टीका लगाएंगे, उसमें आशा सहयोगियों का जो है सहयोग वहां लेने की बात अगर आती है कि भी उनके बिना काम नहीं हो सकता तभी उनको जो है इस काम में लगाया जाएगा। बाकी लगता ऐसा है कि
चिकित्सा कर्मियों का काम इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, क्योंकि ये टीकाकरण मास स्तर पर होना है और कोरोना वॉरियर्स को फर्स्ट फेज के अंदर हो रहा है, तो डायरेक्ट गाड़ियां हैं वहां से इस टीके को पहुंचाया जाएगा। अब बात आई गाँव ढाणियों तक, तो वहां के जो स्थानीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके ऊपर वहां स्टाफ जो लगा हुआ है, चिकित्सा कर्मी जो लगे हुए हैं, चिकित्सक लगे हुए, उनके जरिए भी ये स्थानीय जो जिला मुख्यालय है वहां से लाने की व्यवस्था इन टीकों को की जाएगी, ताकि आगामी दिनों में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, जहां तक रही बात आशा सहयोगिनी, तो उनसे समझाइश और बातचीत का मार्ग भी सरकार ने लगातार खोल रखा है। चलिए, कहीं ना कहीं पूरी चौतरफा तरीके से यहाँ पर तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी प्रदेश भर में वैक्सीन को लेकर ना हो। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ भरतपुर से राजेंद्र शर्मा जी यहाँ पर बन रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजेंद्र जी, भरतपुर में क्या कुछ नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है, लोगों में किस तरीके की उत्साहिता यहाँ पर देखी जा रही है वैक्सीन को लेकर? क्योंकि कई बार स्थिति भ्रम की भी यहाँ पर पैदा होने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, जहाँ पर लोगों को अब भ्रम की स्थिति में डालने की कोशिश की गई थी, तो लोगों का फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर उनका क्या कुछ कहना है, वो कितने उत्साहित हैं इस पूरे वैक्सीनेशन को लेकर, और ड्राई रन की फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? जी, कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोगों में भी इंतजार है और उम्मीद है कि जल्दी आएगी, तो इस कोरोना जैसी महामारी से जल्दी निजात मिलेगी, छुटकारा मिल सकेगा। और आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के यहाँ भरतपुर में जिले में 3 स्थानों पर जो ड्राई रन चल रहा है, मॉक ड्रिल का जो ट्रायल है वो भरतपुर जिले के सबसे बड़ा जो संभागता हॉस्पिटल है RBM हॉस्पिटल वहां पर है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का एक हॉस्पिटल है जिंदल हॉस्पिटल, वहां पर ट्रायल रन हो रहा है। दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में नदवई CSC पर आज इनका जो है वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। इसमें अभी जो RBM हॉस्पिटल में जो ट्रायल चल रहा है उसमें जिला कलेक्टर श्री नथमन डिडेल पहुंचे हैं, अस्पताल के PMO नवदीप सिंह वहाँ है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ है, और सहित तमाम अधिकारी और चिकित्सा विभाग के प्रशासन के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और इसको ट्रायल को कर रहे हैं। उम्मीद में यह मानी जा रही है कि करीब एक पखवाड़े के अंदर 10,000 वैक्सीन आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन का जो लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ वर्कर को लगाने का है, और उसी की तैयारियों को लेकर के आज यहाँ ट्रायल का चल रहा है। ट्रायल में बस केवल वैक्सीन नहीं लगाएंगे लेकिन उनकी और जो सारी तैयारी है, सरकारी गाइडलाइन की पालना है, किस तरह से लगाएंगे उसको बड़ी बारीकी से यहाँ ट्रायल चल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बातचीत लगातार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि लोगों में वो भ्रम की स्थिति पैदा ना हो वैक्सीन को लेकर, और इसलिए कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें पहले टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए खुद जमीन पर डॉक्टर को भगवान की उपाधि यहाँ पर दी जाती है, तो लगता है जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीका लगाया जाएगा तो लोगों के मन में एक यहाँ पर लोगों के लिए जागरूक वो अपने आप ही हो जाएंगे कि चलिए वैक्सीन हमें लगवानी है, कोरोना से हमें लड़ना है। जी बिल्कुल सही बात है, अगर सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर को जो भी एक वैक्सीन लगेगी तो उसको लेकर के, हालांकि लोगों में ये रहेगा कि सबसे पहले हमें भी लगे, उम्मीद तो हर एक को रहती है कि जैसी कोरोना महामारी जैसी महामारी बीमारी संकट में सब लोग परेशान है, बड़ा संकट झेला है, बड़ी परेशानी झेली है, सारे काम धंधा सब पे असर पड़ा है, तो उसको लेकर के हर आदमी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं और इस बीमारी से मैं निजात पाऊं, लेकिन सबसे पहले हेल्थ वर्कर को लगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग जब आम लोग से जुड़ेंगे तो ये स्वस्थ रहने चाहिए पहले, जिससे और लोगों को ये स्वस्थ रख सकें और वैक्सीन का सही उपयोग हो सके। जी चलिए नीरज शर्मा, आपके पास एक बार वापस से आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार हम वैक्सीनेशन की बात करें और कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति लोगों के मन में ये भी है, क्योंकि लगातार विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक डोज या फिर दो डोज वैक्सीन को लेकर लगाई जा सकती है, तो फिलहाल लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, लगातार आप बातचीत डॉक्टरों से करते हैं, विशेषज्ञों से करते हैं, उनका फिलहाल क्या कुछ कहना है कि कितनी डोज आखिरकार कोरोना वैक्सीन की लगाई जाएगी, अगर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट यहाँ पर दिखता है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, पहले फेज की जो डोज है वो दी जाएगी शुरुआती चरण के अंदर, उसके बाद में 4 वीक यानी 28 दिन का समय निर्धारित कर रखा है, 28 दिन बाद में दूसरा डोज दिया जाएगा, और उसके लिए बकायदा उन लोगों के जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल पे मैसेज आएगा, OTP आएगा, उस आधार पर उनका दूसरा टीका लगेगा। दोनों जो टीके लग जाएंगे उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ये जो इम्यूनिटी है वो अपनी बॉडी पर डिपेंड करती है, व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन इस बीच में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार की रिस्क ना लें, जब टीकाकरण हो रहा है आपका और दोनों फेज का टीकाकरण हो चुका है उसके बाद कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें या जल्दबाजी के अंदर ऐसा ना हो, मास्क हटा दिया या सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर भीड़ भाड़ के इलाकों में चले जाए, तो उससे बचने या परहेज करने की सलाह फिर भी दी गई है। पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि टीका लगवा लिया तो आप 100% श्योर हो गए या फिर आपके पास कोई आप सुपर पावर आ गई है जिसके आधार पर आप
किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकल सकते हैं, लोगों के बीच बैठ सकते हैं, जो लोग खांस रहे हैं या जिनको खांसी है जुकाम ऐसा नहीं है, तो लोगों को बचने की सलाह फिर भी दी गई है, लेकिन दो डोज इसकी जो है निर्धारित की गई है। जी। दूसरा आपका प्रश्न था कि अगर किसी लोग किसी व्यक्ति को टीका लगाने के बाद साइड इफेक्ट आ जाते हैं, निश्चित रूप से चिकित्सक भी मान के चल रहे हैं कि 100 व्यक्ति के यदि टीका लगता है तो 100 के 100 एक जैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले नहीं होते, 100 की बॉडी एक तरीके से उस टीके के प्रति रिएक्ट नहीं कर सकती है, कुछ लोगों में एलर्जेंट्स जो है उसके प्रति एक एंटीबॉडी अपने आप डेवलप हो जाती है, कुछ लोगों की बॉडी रिएक्शन करती है, कुछ लोगों को दवाइयों से भी रिएक्शन हो सकता है, तो निश्चित रूप से अगर किसी के एलर्जी होती है, लाल चकत्ते बनते हैं, खांसी अगर किसी को उल्टी होती है, सिर चकराता है, मितली होती है, बेहोशी आती है, ये सारे सिम्टम बता रखे हैं कि ये हो सकता है आपके, और यदि ऐसा कुछ होता है तो घबराने की बात नहीं है, आपके पास में चिकित्सा सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। जहाँ टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में इसीलिए रखा जा रहा है आधे घंटे तक, ताकि देख लिया जाए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही, और उसके अलावा भी जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ से एक मोबाइल नंबर चिकित्सक का अवेलेबल रहता है उन मरीजों के पास में, आज भी एक पैम्फलेट दिया गया उसमें नंबर है, उस नंबर पे कोई भी इमरजेंसी की बात हो तो संपर्क करें, तुरंत टीम आपके पास पहुंच जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है। क्योंकि इन टीकों को लगाने के बाद में जैसे सामान्य तौर पर खसरा का या अन्य डीपीटी का टीका लगता है बच्चों के अंदर तो एक दो दिन का बुखार आ जाता है, सामान्य सी बात होती है, और उसके बाद में वो ठीक हो जाता है, जी घबरा सकता है, तो इस प्रकार के सिम्टम उभर सकते हैं, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब वैक्सीन आपके ऊपर असर कर रहा है ये भी माना जाता है, तो निश्चित रूप से ये एक हल्का टीका है जो धीरे धीरे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, फिर दूसरी डोज जो है वो दी जाती है, फिर ये रोग प्रतिरोधक बढ़ाने का काम करता है और एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप करता है, तो घबराने की बात नहीं है। सरकार ये कह रही है कि इसका बाकायदा परीक्षण हो चुका है, तभी जो ये टीके हैं ये मार्केट के अंदर आए हैं और सरकार ने इसको आम जनता को लगाने का फैसला लिया है। भारत सरकार और राज्य सरकारें जो हैं अपने नागरिकों की सेहत और स्वास्थ्य के प्रति और उनकी जान के जिंदगी के प्रति जागरूक हैं, तभी ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर किसी प्रकार के माइल्ड सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे वैक्सीन लगाने के बाद, तो जाहिर सी बात है उसे डरने की और घबराने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। लगातार सरकार का भी ये कहना है कि पूरे परीक्षण के बाद, विशेषज्ञों की निगरानी के बाद इस पूरे इन टीकों को बनाया गया है, मंजूरी दी गई है और जनता तक पहुंचाने की पूरी तैयारी फिलहाल की जा रही है। जिस तरीके से आज देश भर में ड्राई रन चलाया जा रहा है उसके बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 2 से या फिर 1 से 2 हफ्ते में टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस खास में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।